खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी शहर में कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट और हाथापाई करने की एक और घटना सामने आई। आपको बता दें कि यहां पर गुटखा और कपड़े की दुकानों को बंद कराने और वहां पहुंची भीड़ को हटाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस पर दुकान पर बैठे आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। आरोपियों के हमले में एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और अन्य पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान मौके से बचाई। दुकानदारों और पुलिसकर्मियों के बीच करीब 20 मिनट तक गहमागहमी चलती रही। इसके बाद दुकानदारों ने पुलिस की टीम को खदेड़ दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल को देखकर आरोपी भी मौके से फरार हो गए, लेकिन दुकानदार पुलिस ने दबिश देकर चार दुकानदारों को उस वक्त अपनी हिरासत में ले लिया। मामले में चोटिल हुए पुलिसकर्मी दिलीप सिंह ने दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। एक टीम गठित की गई है और अन्य आरोपियों की तलाश भी अब शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन छुट्टी के दौरान सेवाजी मार्केट में और स्कूल व्याख्याता श्री दिलीप सिंह और कांस्टेबल श्री धर्मेंद्र सिंह तैनात थे, तो वहाँ कोई दुकान थी खुली हुई थी, जिनका जंक फूड रेडी फूड का सिगरेट बुकिंग हो रही थी सकड़ा मार्केट का, तो वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही थी। ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों ने और लॉकडाउन के उल्लंघन की संभावना उद्देश्य उनसे मना किया था दुकानदारों से कि आप भीड़ ना करें और भीड़ में शामिल लोगों से भी करें। इस बात को लेकर दुकानदार उनसे उलझने लग गए और इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल। धौलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, एक बार फिर से अब असामाजिक तत्व जो हैं उनकी दबंगई का यहाँ पर वाकया देखने को मिला। भीड़ जुटी थी एक स्थान पर, गुटखा बेचने की दुकान बताई जा रही है। यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे। लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते पुलिस की टीम वहां पर पहुंची इन लोगों को हटाने के लिए, लेकिन इनकी शर्मनाक घटना को देखिए आप तस्वीरों में, जिस तरीके से देख सकते हैं इन लोगों ने उल्टे ही पुलिस पर हमला कर दिया। खाकी वर्दी का भी कोई डर इन लोगों में नहीं दिखाई दिया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस का ही विरोध करना शुरू किया, पुलिस के जवानों को वहां से निकलना पड़ा, लेकिन जब पुलिस के जवान पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे तो ये असामाजिक तत्व भी वहां से भाग खड़े हुए खाकी के डर से। उसके बाद में टीम गठित कर ली गई है, चार दुकानदारों को वहां से गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता मुनेश ठाकरे मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनेश, ये जो असामाजिक तत्व है इनमें खाकी का भी डर नहीं है, एक बार फिर से यहां पर प्रदेश में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, क्या ये पूरा वाकया रहा? जी जयती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़ी शहर में गुटखा और कपड़ों की दुकान को बंद कराने और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस की टीम दुकान पर बैठे आधा दर्जन से अधिक लोगों को जैसे ही गई तो उन लोगों ने हमला बोल दिया पुलिस टीम पर जी। और आरोपियों द्वारा किए गए हमले में वही एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गया है, वही अन्य पुलिसकर्मियों ने अपनी भग करके और जान बचाई जैसे तैसे भी, और दुकानदार और पुलिस कर्मियों के बीच करीबन 20 मिनट तक गहमागहमी चलती रही और दुकानदारों ने पुलिस टीम को खदेड़ दिया। उसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और तो आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन उसके बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी मुनेश, जो ये धौलपुर का बाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से पहले भी इस प्रकार की घटनाएं दबंगई की सामने आती रही है, क्योंकि कोरोना का इतना भयंकर अभी आतंक है और जो फ्रंट लाइन पे वॉरियर्स है, पुलिसकर्मी हो गए, स्वास्थ्यकर्मी हो गए, नर्सिंग कर्मी हो गए, चतुर्थ श्रेणी के जो स्टाफ है वो फ्रंट वॉरियर्स है, इस टाइम पे फ्रंट लाइन सबसे आगे वाली पंक्ति में रहकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में इस प्रकार की घटना बेहद शर्मनाक है। क्या पुलिस अफसरों के द्वारा, जो बड़े अधिकारी उनके द्वारा, क्या कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार के जो समाज कंटक है उनको रोकने के लिए इस दिशा में? जी जयती, बिल्कुल ये शर्मनाक घटना है और ये जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके खिलाफ जो संबंधित धारा है और उनके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हिरासत में लेकर के जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसको अंजाम दिया जाएगा। जी धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।